जिंदगी और सड़क के बीच में कई समानताएं होती हैं। कई फिलोसोफर्स ने, शायरों ने इनके बीच में कई तुलनाएं की हैं। सड़क हो या जिंदगी, हमें अपने तय मकाम तक पहुंचाते हैं, लेकिन सड़क जिंदगियों की तरह ही हमें हादसों से मिलाते हैं, जो न सिर्फ छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती हैं, बल्कि उनमें दिल दहलाने वाली वारदातें भी हो सकती हैं, जो न सिर्फ मुसाफिर बल्कि उससे जुड़े हर शख्स की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। और क्या लाओ साहब? क्या खाना बनाया है यार, मन करता है बनाने वाले का हाथ चूम लो। जाओ चूम लो, बुढ़िया है, 6 महीने से बना रही है। ते काम कर, तू ही चूम ले। क्या साहब, एक सेम प्लेट ऐसा पार्सल दे देना, घर ले जाऊंगा यार, बीबी खुश हो जाएगी। जरूर जरूर जरूर। चंद्रिका दी, आपके खाने की बहुत तारीफ हो रही है, बस यही स्वाद बनाए रखना, अगले महीने में आपकी पगार भी बढ़ा दूंगा। नमस्कार सर। कैमन आछिस छोटू? भालो। चल खाना लगा दे फटाफट। अरे भैया, बरेपुर तक जाना है। 500 रुपए लगेगा भैया, हमेशा 150 में जाता हूँ, अब 200 ले लेना। अरे भाई, इतना ही लगेगा, आगे अगर 2-3 आदमी मिलेंगे तो आधा आधा बांट लेना। भैया एक घर में कॉल कर दूं। हेलो, हाँ हमें गाड़ी मिल गई है, हम सीधा घर ही आएंगे। हाँ बारापुर जाने का लिफ्ट दे दो ना। हाँ हाँ बैठो। भैया थोड़ा साइड कर दो यार, बहुत जोर की पिसाब लगी है, साइड कर दो। शोमिंदा, क्या बात है, आपके ढाबे के खाने का तो स्वाद ही बदल गया। खूब भाला, खूब टेस्ट। क्या है कि मेरा पुराना कारीगर काम छोड़कर चला गया, बस ये प्यारी चाची मिल गई, बहुत जरूरतमंद थी और खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हैं, बस मैंने ये किचन उनके हवाले कर दी। अच्छा जल्दी बताओ कितना हुआ? अरे सर, जो हमेशा देते वही दे दो। ये लीजिए छोटू। हाँ सर। रागेटा चंद्रिका दी, पुलिस वाला आपके बारे में पूछ रहा था। अरे बोल रहा था कि आप खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। दीदी कब तक ये दाल भात खाएंगे, ना छोक ना तलकारी, और माछ तो कितने दिनों से नहीं खाया है। अरे उस दिन तो खाया था ना माछ भात। कब? अरे चौधरी काकू की शादी में। हाँ। और मीना मासी के घर पे तुझे पूजा में रसगुल्ले भी तो दिए थे उन्होंने। हाँ। तुझे पता है जब अपने माँ बाबा थे ना, तो माँ बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। तू बहुत छोटा था लेकिन बहुत चाव से खाता था। माँ क्या क्या बनाती थी? शुक्तो, बैगन भाजा, चटनी, शोरशे बाटा माछ, और भी बहुत कुछ बनाती थी। सभी मेरे पति हैं, टैक्सी चलाते हैं, सब कोलकाता गए थे लेकिन 2 दिन से घर वापस नहीं लौटे। इनका फोन भी बंद आ रहा है और मैंने इनके सारे दोस्तों से भी बात की लेकिन कुछ पता नहीं चला। सब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ।
प्लीज मेरे पति को ढूंढ लाइए। देखिए आप रोइए मत, एंड डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके हस्बैंड को ढूंढने की। एक काम करो, इनकी एफआईआर दर्ज करो और इनसे इनके पति का मोबाइल नंबर लेके उसे सर्विलेंस पे डाल दो। अब देख तू इसे कैसे आउट करता हूँ। आउट है, नहीं, तू आउट है, चीटर, नहीं, तूने चीटिंग की मेरे साथ, अब तो तू गया। करेगा अगली बार चीटिंग? एक ही कॉल अच्छा, रुको, मैं बाबा को बोल दूँगा, वो तुम भिखारियों को इस गली से ही भगा देंगे, फिर जाकर रहो नदी के उस पार। नहीं राजा, ऐसा मत करना। मिंटू बदमाश, कितनी बार कहा कि मारपीट मत किया कर, सॉरी बोल राजा। सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा, सबके सामने तूने मुझे मारा, अब सबके सामने ही तुझे मुझसे मार खानी पड़ेगी, हारना पड़ेगा। पर राजा मिंटू सॉरी बोल रहा है ना बाबा। अच्छा सुनो, मिंटू नहीं मान रहा तो तू मुझे मार। अरे रुक, मैं तुझसे मार भी खा लूंगा और हार भी जाऊंगा। आई एम द विनर। साहब ये तेरे पास ही रख, एक काचा कोला और तरकारी ला। अरे साहब ये ढाबा है, इधर घर का नहीं होटल का खाना मिलता है। एक काम कर, तू तेरे महाराज से पूछ, अगर बना देगा ना तो मेहरबानी होगी। अरे साहब इधर महाराज नहीं महारानी है, फिर भी पूछता हूँ। ए माशी, एक ग्राहक आया है, काचा कोला और तरकारी चाहिए। ठीक है बना। बन गया, थैंक यू बोलना महाराज महारानी को। सबका 80% हो चे। सॉरी मिंटू, मेरी वजह से तुझे इतनी मार खानी पड़ी। दीदी मैं उस राजा को मार सकता था, लेकिन आपके वजह से मैंने मार खा भी लिया और हार भी गया। ऐसा कब तक होगा दीदी? हम गरीबों की ताकत का कोई मोल नहीं होता चिंटू, हाथों की जीत को भी हारना पड़ता है, ऐसी दुनिया चलती है। जब तू ये समझ जाएगा ना, तकलीफ अपने आप बंद हो जाएगी। दीदी आप तो समझ गई है, फिर भी आपको तकलीफ होती है ना। बहुत बड़ा हो गया है रे तू, चल अब जल्दी से सो जा, बड़े होकर के क्या क्या करना है उसके सपने भी तो देखने हैं ना। हाँ भाई छोटू बंद हो गया? हाँ आ गया बस। ला बेटा जल्दी रह चाबी, चल बेटा खुश रह। क्या बात है छोटू सेठ, लगता है अच्छी टिप मिली है। हाँ फिर तो क्या बोलता है, चलें मस्त मूड बनाते हैं, मौका भी है दस्तूर भी है। और अबे तेरे अम्मा की उम्र की है, चल अपने उम्र ढूंढते हैं। यस ये हुई ना बात, चल
क्या हो गया भाईजान? भाई आज कुछ ज्यादा ही खाना खा लिया, पेट गुड़गुड़ कर रहा है। भाईजान मैं भी चलता हूँ, पेट तो भारी मेरा भी है। चल भाई चल। कहाँ जाएगी तू भाग के? भाईजान गिराओ ना जल्दी। छोड़ो मुझे। भाईजान जल्दी। छोड़ो, छोड़ो मुझे। भाईजान। थोड़ी दूर पर जाना आइए। ऐसी क्या वजह थी कि एक जवान लड़की को एक बुजुर्ग महिला के भेस में काम करना पड़ रहा था? वो किसी से छुप रही थी या किसी को ढूंढ रही थी? दूसरी तरफ सुनसान रास्ते पर शराफत का स्वांग रचाकर लूटने वाले वो भेड़िए कौन थे? अपराधों का एक न थमने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। अविश्वास का माहौल था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई नकाब में अपना चेहरा छुपा के घूम रहा है। सवाल ये था कि इस अपराधों के भवंडर में कितनी तबाही मचने वाली थी। माशी, अरे बाप रे, चंद्रिका माशी, माशी, चंद्रिका मासी, मासी, समन दादा, ने फोन किया? जी सर, मैं ढाबे का मालिक शुमन। सर वो वहाँ खड़े ट्रक का ड्राइवर था, वो उसके साथ एक क्लीनर भी था। रात उन्होंने खाना खाया और वहीं ट्रक के पास ही खटिया डालकर सो गए। सुबह ये छोटू आया तो उसने देखा कि किचन के पीछे ड्राइवर की लाश पड़ी है। राज जी, सर ढाबे में और कोई था? हाँ साहब, वो चंद्रिका मासी रहती है मगर वो भी गायब है। सर चंद्रिका हमारे ढाबे पर काम करती है। सर वही चंद्रिका बुढ़िया जो आप पिछले हफ्ते खाना खाया था, आपने कहा था बहुत स्वादिष्ट है। महेंद्र आसपास चेक कर। सर लगता है सर पे भारी चीज से वार करके मार रहे हैं। सर इधर देखिए, हाथापाई के निशान। लगता है ड्राइवर और क्लीनर के बीच में झगड़ा हुआ होगा। ये चंद्रिका कहाँ गायब? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मारपीट और हाथापाई की वजह से डर के वो भाग गई हो। ठीक है, बॉडी को जो है पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। शेखर तुम देखा नहीं, यहाँ कोई सीसीटीवी है? नहीं सर, वो तो नहीं है। सर हाईवे के मोड़ पे सीसीटीवी है सर, ढाबे से हाईवे जाने का रास्ता उसमें दिखाई देता। एक बात और सर, आसपास अच्छे से चेक किया लेकिन चंद्रिका और क्लीनर दोनों नहीं मिले। कोई मर्डर वेपन? नहीं सर। ठीक है, काम करो, फुटेज निकालो और ट्रक के ओनर से पता करो ये क्लीनर है कौन। सर आखिर ये चंद्रिका और ये क्लीनर दोनों गायब हुए तो कहाँ? चंद्रिका के बारे में और क्या जानते हो तुम? कभी उन पे शक हुआ तुम्हें? सर चंद्रिका मासी दिखने में बहुत भोली भाली थी लेकिन मुझे एक बार उनकी एक बात खटकी थी सर। कुछ दिन पहले ढाबे पे एक आदमी आया था और मासी उसके साथ छुप छुप के बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था लंबे समय से एक दूसरे को जानते। कौन था वो आदमी? पता नहीं सर। उनका कोई आइडेंटिटी कार्ड है? सर एक आधार कार्ड दिया था, उसकी फोटो कॉपी है मेरे पास, एक मिनट लेकर आता हूँ। चंद्रिका हल्दर,
सर तो बंगाली। लेकिन आपने तो उस दिन कहा था कि वो बिहार से आई है। सर ज्यादा ध्यान से देखा नहीं, जैसा कहा मैंने उसे मान लिया, लेकिन सर ये बहुत दयनीय स्थिति में थी। परवेज सलीम के ट्रक का क्लीनर है, लेकिन सलीम के मर्डर के बाद से ही परवेज गायब है। लेकिन चंद्रिका के गायब होने में सलीम के मर्डर का क्या लेना देना? सर ये सीसीटीवी फुटेज। सर ये ढाबे के पास वाले हाईवे की सीसीटीवी फुटेज है। सर ये लड़की इतनी रात गई इधर क्या कर रही है अकेली? ऐसा ढाबे की तरफ से आ रही है। एक काम करो, इसके फोटोज जो है ढाबे के मालिक को और वहां पर काम करने वाले लोगों को दिखा, कोई ना कोई इसे जानता होगा। और ये ट्रक शहर की तरफ जा रहा है, इसके भी डिटेल्स निकलवा। एक काम करो, चंद्रिका के आधार वाले एड्रेस पे जा, वहां से कुछ क्लू मिलेगा। सर सर दीदी पुलिस। बेटा माँ को बुलाओ। माँ तो नहीं है। बाबा? वो भी नहीं है। अच्छा घर में कोई और है? कोई नहीं है। अच्छा इन्हें जानती हो? यहीं पर रहती हैं? नहीं। बेटा? नहीं अंकल। इन एड्रेस तो यहीं का लिखा है। वैसे तुम्हारे माँ और बाबा हैं कहाँ? वो तो 10 साल पहले ही भगवान के पास चले गए। अच्छा बेटा तुम्हारी माँ का आधार कार्ड है? हाँ है ना। लेके आओ। सर सर चंद्रिका के एड्रेस पर पिछले 10 साल से 2 अनाथ बच्चे रहते हैं। वो तो चंद्रिका को जानते भी नहीं है सर। उनके घर से सर ये आधार कार्ड्स मिले। चंद्रिका नाम नंबर सब कुछ सेम है, लेकिन फोटोज अलग अलग है। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत इस आधार कार्ड का इस्तेमाल करके वो ढाबे पे काम कर रही थी। लेकिन क्यों? ये चंद्रिका की मिस्ट्री बढ़ती जा रही है। आखिर ये है कौन और गई कहाँ? ये ट्रक तुम्हारा है? हाँ साहब। ये फोटो देखो, कल रात इस लड़की को बाईपास रोड पे तुमने लिफ्ट दी थी, पहचानते हो इसे? नहीं सर, जानता तो नहीं हूँ। सवारी थी, हाईवे पर हाथ दिखाया तो गाड़ी रोक दी। कहाँ उतरी थी लड़की? डायमंड हार्बर एरिया में उतरी थी साहब। उस लड़की की बातचीत से तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि वो कहाँ जाना चाहती है? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आया। सर उस सीसीटीवी वाली लड़की की फोटो हमने ढाबे वाले शोमैन और छोटू को दिखाई, लेकिन वो लोग उसे नहीं जानते और ना ही इससे पहले कभी देखा है। एक और बात सर, उस लड़की ने हाईवे पे जिस ट्रक से लिफ्ट ली थी उस ट्रक का भी पता चल गया है। ड्राइवर से भी हमने पूछताछ की, ड्राइवर का कहना है कि इससे पहले उस लड़की को अभी देखा नहीं, एक नॉर्मल सवारी थी, वो बैठी, उससे पैसे लिए और आगे जाके डायमंड हार्बर पे छोड़ दी। एक काम करो, डायमंड हार्बर जाओ, पूछताछ करो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। इस लड़की का सलीम के मर्डर से और चंद्रिका से कोई रिश्ता जरूर है। सर सर टिया टिया ये लो, अगले हफ्ते और लाऊंगा। पर इतने से एक हफ्ते में गुजारा कैसे चलेगा? शुक्र मनाओ इतना तो मिल रहा है, वरना भूखा मरना पड़ता। सर हमने डायमंड हार्बर एरिया का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उस मिस्ट्रियस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। सर वो बहुत ही बदनाम एरिया है, वहां पर ज्यादातर ड्रग एडिक्ट्स, तड़ी पार, इलीगल माइग्रेंट्स या धंधे करने वाली औरतें रहती हैं। सर ये केस तो और भी उलझता जा रहा है, ऊपर से टीवी और अखबार वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाकर आग में घी का काम करते हैं। समझ भी नहीं आ रहा क्या करें अब। हेलो जयंत सर। यस सर, अभी फिलहाल तो सॉफ्ट क्लूज मिले हैं सर, जैसे कोई पुख्ता सबूत मिलता है हम कातिल को अरेस्ट कर लेंगे। जी सर। शोमेन दादा, शोमेन दादा,
हेलो सर, मैं वेलकम ढाबे का मालिक शोमैन बोल रहा हूँ। हाँ शोमैन बोलो। वो ट्रक का मिसिंग क्लीनर पानी की टंकी में मिला है। क्या सर, वो बहुत जख्मी है, उसकी हालत बहुत खराब है। तुम लोग तुरंत उसे पास वाले हॉस्पिटल में लेके जाओ, हमारा एखन ही आ रही। डॉक्टर साहब जी प्लीज। डॉक्टर साहब सिचुएशन क्या है? बहुत सीरियस है, और थोड़ी देर हो जाती तो यहाँ लाने से पहले ही डेथ हो जाती। वो बच तो जाएगा ना? कोशिश कर रहे हैं। उससे बात कब कर सकते हैं? रिकवरी पर डिपेंड करता है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। एक क्लीनर तो मिल गया, एक बार ये नकली चंद्रिका भी मिल जाए तो केस क्लियर हो जाए। एक काम करो, वो असली चंद्रिका का जो आधार कार्ड है उसके एड्रेस पे चलते हैं, पूछताछ करते हैं। आई एम श्योर कोई ना कोई तो उसे जानता होगा। राइट सर। चल ठीक है, टेंशन मत ले। अरे बोला ना एक बार काम हो जाएगा। चल फोन रख। क्रिस्टल चाहिए। पैसे हैं? ठीक है, रात को 10 बजे वो खोली पे आ जाना, मिल जाएगी। नहीं नहीं गाड़ी मत रुकना। मजबूर सा लगता है, शायद उसे किसी मदद की जरूरत हो। सर माँ बहुत बीमार है, डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ पर कोई लिफ्ट नहीं दे रहा, क्या आप प्लीज। अच्छा अच्छा रोइए मत, बैठिए, कुछ नहीं होगा आपकी माँ को। धन्यवाद सर। बस बस सर यही रोक दीजिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई दवा खाना नहीं है। इस पगडंडी के आगे एक छोटा सा गांव है, वही दवा खाना है सर। पैसे लेके आई हूँ, जल्दी से मुझे पिस्टल दो, मुझे जाना है। ये क्या कर रहे हो तुम? दरवाजा खोलो। अरे छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। ठहरा चुपचाप। सर उन बच्चों के पास विपिन नाम का एक आदमी आता है, शायद उनके माँ का दूर का रिश्तेदार है। माँ बाप के मरने के बाद से वही उनका ख्याल रखता है। थैंक यू सर। सर एक नई इंफॉर्मेशन मिली। बोलो। हमारा टीआर और मिंटूर माँ चंद्रिकार ब्यापारे जिज्ञेस करते हैं। क्या ना चंद्रिका पीसी के साथ जो कुछ हुआ उससे आपका पेट नहीं भरा क्या? जो फिर से आ गए उनके पीछे पड़े हो, कम से कम मरने के बाद तो इंसान को बख्श दो। चलो जाओ। एक बार बोला समझ में नहीं आता क्या? पुलिस की शक्ल देखना पसंद नहीं करता मैं, और बात तो कतई नहीं। तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता है, प्यार से पूछ रहे, बता दो। सर जिस चंद्रिका की आप बात कर रहे हो ना, 10 साल पहले उन्होंने आत्महत्या की है। क्यों एग्जैक्टली क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है जिससे आपको हेल्प हो सकती है। रुकिए, आपके डिपार्टमेंट के कांस्टेबल की वजह से उन्होंने आत्महत्या की, रेप हुआ था उनका। कौन था कांस्टेबल? आपके थाने का था, ढूंढिए पता चल जाएगा आपको। ये देखिए सर, ये देखिए। मिंटू टिया। अरे सर आप। मिंटू कहाँ है? मिंटू हाँ। कैसे हो बेटा? दीदी घबराने की जरूरत नहीं, ये लो मैं तुमसे दोस्ती करना है, ले लो।
नीलम बेटा तुम यहाँ पर अकेले रहते हो? हाँ। विपिन दादा के अलावा और कोई नहीं आता तुम लोगों से मिलने? नहीं। देखो बेटा, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो पुलिस स्टेशन आ जाना, ठीक है? मुझसे मिलना। पुलिस अंकल, क्या आपका नंबर मिल सकता है? मेरा नंबर क्यों चाहिए तुम्हें? ये आपके लड़के ना मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो अगली बार परेशान करेंगे तो मैं आपको फोन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मेरे पास पुलिस अंकल है, तो सब डर जाएंगे। ठीक है, ख्याल। सर आइए। सर, सर ये पांडा जी है, इसी पुलिस स्टेशन से 4 साल पहले रिटायर हुए। सर कैमरा आशे बॉलो आशे बोशे बोशे। बताइए सर, चंद्रिका के बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? सर चंद्रिका ने मेरे पास आके उसके पति की गुमशुदा होने की रफट लिखवाई थी। हर दिन आके रोती थी, फिर अचानक से गायब हो गई, उसका कुछ पता ही नहीं था। कुछ दिनों बाद उसका एक दूर का रिश्तेदार एक खत लेकर आया और कहने लगा कि चंद्रिका के साथ प्रशांत मित्र नाम के एक हवलदार ने रेप किया और इस सदमे में आके चंद्रिका ने आत्महत्या कर ली। पर सर इस प्रशांत मित्र नाम का कोई भी हवलदार हमारे थाने में नहीं था। हमने काफी छानबीन की, फिर उसके बाद इस फाइल को बंद कर दिया। सर ये रही उस केस की फाइल। सर डॉक्टर का मैसेज आया, परवेज क्लीनर को होश आ गया। नमस्ते साहब। ये बताओ सलीम को किससे मारा और पानी की टंकी में तुम्हें किसने डाला? वो जो ढाबे पे औरत काम करती है ना, उसी ने किया साहब। वो बूढ़ी औरत चंद्रिका? हाँ साहब। क्या? वो बुढ़िया नहीं है साहब, वो जवान है। ये देखो। ये वही है साहब, ये हमारे पैसे चुरा रही थी। सलीम भाई ने इसकी चोरी पकड़ ली और बुढ़ापे के नाटक को भी, तो इसने सलीम भाई को जान से मार दिया। मैं जान बचा के भागा तो इसने मुझे घायल करके बेहोश कर दिया। ये औरत बहुत खतरनाक है, इसको पकड़ लो साहब। कयामत है, है। ले, पी ले। अरे पी पी आए। देख के रास्ता खाली किया कर। क्यों? रास्ता तूने खरीद लिया है क्या? ज्यादा ऊंची आवाज में बात मत कर, बाबा को बुला दूंगा। अब मैं तेरे बाबा से डरता नहीं हूँ, क्योंकि अब मेरे पास पुलिस अंकल है। ये ज्यादा फेक मत। सबूत चाहिए? तू तेरे बाबा का फोन लेकर मेरे घर पे आ, पुलिस अंकल से वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। वीडियो को? अरे मिंटू। जय हिंद सर। जय। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, ऐसे ही फोन किया। अरे मिंटू ऐसे फोन मत किया करो। हाँ कोई प्रॉब्लम होगी तो जरूर फोन करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। हाँ सर। ठीक है, एक मिनट मिंटू। वो पीछे तुम्हारे जो फोटोग्राफ है, जरा उसके पास जाना, दिखाना मुझे। ये तुम्हारी फैमिली फोटोग्राफ है ना? हाँ सर। फोटो में तुम दोनों के अलावा ये पीछे बड़ी लड़की कौन है? ओके बाय सर। फोन काट दिया। आई एम श्योर इस लड़की का कुछ लेना देना जरूर है इससे, शायद विपिन को पता होगा। सर मिंटू और टिया की एक बहन भी थी,
जो उनसे 10-12 साल बड़ी थी। बचपन से उसकी दिमागी हालत खराब थी, इसलिए उसको मेंटल असाइलम में डाला था। सिर्फ चंद्रिका ही जानती थी कि वो लड़की कहाँ है और कैसे है। चंद्रिका के मरने के बाद मैंने भी उस लड़की को ढूंढने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पहले से 2 बच्चे में पाल रहा था। वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। ठीक है, कोई भी खबर मिले तो प्लीज हमें बताना। जा। राजीव ये झूठ बोल रहा है। आसपास के मेंटल असाइलम से पता करो और ये जितने भी पड़ोसी है ना उनसे पूछताछ करो, कोई ना कोई तो जरूर कुछ जानता होगा। राइट सर। अपना तो रेडी है, तू निकल। क्यों सेठ, पसंद नहीं आई मैं आपको? पसंद तो बहुत है, लेकिन उतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे भी तो बहुत पसंद आया सेठ। चलेगा? चल आओ सेठ। अरे आओ ना, आज तो आपको मैं जन्नत की सैर कराऊंगी, वो भी मेरे स्टाइल में। अब देखो चमेली का जादू। लेकिन मजा आना चाहिए। हाँ हाँ हा, बिल्कुल। आप बस देखते जाओ कि ये चमेली क्या क्या करती है। ये क्या कर रही हो? लेकिन बस थोड़ा और इंतजार। बड़ा अजीब स्टाइल है यार। हाँ ये अपना स्टाइल है। क्या बात है, जल्दी करो जो करना है वो, मैं तो एकदम प्यासा प्यासा हो रहा हूँ। अरे अरे मार क्यों रही हो? ठीक है सर, ठीक है, हमें जाना अच्छी। सर सर मेरा दोस्त छोटू कल रात से गायब है। अरे दोस्त पोस्ट से मिलने गया होगा, 24 घंटे वेट करो, देखिए की करा जाए। की नाम बोले? सर छोटू। कहाँ काम करता है? सर ढाबे पे काम करता है। ढाबा? कौन सा ढाबा? सर वेलकम ढाबा। कहाँ से गायब हो? सर हम सोनागाछी गए थे। सर मैं तो अपनी रेगुलर वाली के साथ गया था, पर सर जब मैं वापस आया तो पता लगा छोटू किसी नई लड़की के साथ गया है। सर जब मैंने पता किया तो उस लड़की का नाम और पता किसी को कुछ नहीं मालूम था। सर मैं थकार के घर आ गया। मैंने सुबह में उसको फिर से फ़ोन किया, रिंग बज रही थी पर उसने उठाया नहीं। सर एक काम करो, सोनागाछी रोड जा और वहाँ के दलाल को उठा के लेके, और ये छोटू का फ़ोन जो है सर्वेलेंस पे डाल। राइट सर। सर साहब मेरे भैया और भाभी 2 दिन से गायब है साहब। साहब उनका फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ से गायब हुए? बारहवींपुर से 12-7 आ रहे थे, वहाँ से निकले तो सही पर यहाँ नहीं पहुँचे। आप एक काम करो, अपने भैया और भाभी की फोटो और उनके डिटेल्स के साथ FIR दर्ज करवा दो। एक बात समझ में नहीं आ रही, ये हाईवे के 10 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कौन सा ब्लैक होल है कि एक के बाद एक आदमी गायब हो जा रहा है? वहाँ की पेट्रोलिंग बढ़ा दो। बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। कल रात एक भले घर की लड़की मेरे पास आई, गिड़गिड़ाने लगी कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इलाज के लिए पैसे चाहिए। साहब उसका नाम पता मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। उसकी शक्ल याद है तुझे? हाँ साहब। स्केच बनवा सकता है? साहब स्केच आर्ट उसको। सर एक खबर मिली है सर, मिंटू टिया की माँ, वो ओरिजिनल चंद्रिका। हाँ सर, उनकी एक पड़ोसन जो ओरिजिनल चंद्रिका को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, अभी वो बीमार है इसीलिए हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे ऐसा लगता है सर उनसे कुछ पता चल सकता है। ठीक है, मिलते हैं सर। पानी चाहिए? हाँ, हाँ। ये ले पानी। पानी बताएगा या नहीं बोल? बताता हूँ, बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। पानी पानी दे दो। आप मिंटू और टिया की पड़ोसी हैं, उनकी माँ चंद्रिका, उनकी एक बड़ी बेटी भी थी, उसके बारे में क्या जानती हैं? निशा चंद्रिका की सबसे बड़ी बेटी थी, वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, शांति निकेतन पढ़ने जाती थी। चंद्रिका का पति एक ट्रक ड्राइवर था, अच्छा खासा कमा लेता था। 10 साल पहले चंद्रिका का पति और ट्रक दोनों गायब हो गए। चंद्रिका के ऊपर और उसके परिवार के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। चंद्रिका अपने पति की पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन जाया करती थी, उसके साथ एक दो बार मैं भी गई थी। साहब আমার ঘরে ছোট ছোট বাচ্চা, যদি পতি না মিলা তো ও অনাথ হো জায়েঙ্গে। আরে আমনে কাহা নাম পুছতাছ কর রহে হ্যায়, জব পতা চল জায়েগা ঘর পে আকে বতা দেঙ্গে। এ কোন যাও। এসে মে এক দিন পুলিশ স্টেশন কে বাহার উসে এক হলদার মিলা,
अरे चंद्रिका जी नमस्ते, मैं प्रशांत मित्रा इसी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल हूँ। चंद्रिका जी बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप अपने पति को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आपके पति शरद को ढूंढने में पूरी मदद करूँगा मैं। आप मुझे मेरे घर पर आके मिलेंगी करीब शाम को 7 बजे? हाँ हाँ ठीक है। और फिर चंद्रिका के साथ उस हवलदार ने जबरदस्ती की, चंद्रिका ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने आत्महत्या कर ली। और चंद्रिका की बेटी निशा, उसका क्या हुआ? उसने अपनी माँ की लाश को अग्नि दी और उसके दूसरे दिन से कहीं चली गई। धीरे धीरे सबने उसको भुला दिया। मिंटू टिया को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के गई थी कि वो लोग भी उसको याद नहीं करते थे, सब लोग उसको भूल गए। लेकिन साहब मैं कहती हूँ वो निशा जरूर वापस आएगी। सर हाँ, सोना का चोरी लड़की का स्केच बन गया सर, ये रहा। दिखाइए सर। क्या आप इस लड़की को पहचानती हैं? ये तो निशा है, चंद्रिका की बड़ी बेटी। ये इतनी बड़ी हो गई। थैंक यू सो मच। सर ये तो वही लड़की है जिसने बुढ़िया बन के चंद्रिका के नाम से ढाबे पे काम करना शुरू किया था। इसका मतलब निशा चंद्रिका अपनी माँ का आधार कार्ड यूज कर रही थी अपना फोटो डाल के और ढाबे पे काम कर रही थी। लेकिन क्यों? वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती थी, लेकिन किससे? आखिर निशाने पे था कौन? कुछ तो वजह होगी। सर छोटू का मोबाइल सर्वेलेंस शुरू हो गया है और सारे कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट यहाँ शेयर हो रहे हैं। एक काम करो, परवेज के पास जो कांस्टेबल खड़ा ना उसे अलर्ट करो जल्दी। नहीं सर फोन स्विच ऑफ आ रहा है। चलो सर, वो लड़की कहाँ है जिसने तुम्हारे हेल्प किया? वो सिटी हॉस्पिटल गई है सर। ये तो वही जगह है जहाँ पर परवेज जो है एडमिटेड है। एक काम करो, दो कांस्टेबल्स को बोलो से लोकल हॉस्पिटल लेके जाए, हम लोग सिटी हॉस्पिटल चलते हैं। सर निशा गोली मत चलाना। आप ठीक है? तुम मुझे गोली भी मार सकती थी और वहां से भाग भी सकती थी, क्यों नहीं किया तुमने ऐसा? सर आपने मुझे पहली बार थोड़ी पकड़ा है। मैंने पहले भी देखा है। आपकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। पुरुलिया मार्च 2017 तुम्हें मैंने विद्रोहियों के साथ पकड़ा था। इन राइफल्स को वैन में रखो। तुम इन लोगों के साथ क्यों नहीं गई? कौन हो तुम? सर मैं इनके साथ नहीं हूँ, मैं तो इन लोगों से मदद मांगने आई थी लेकिन इन लोगों ने मुझे अपना गुलाम बना लिया। प्लीज मेरी मदद करिए सर। उस वक्त हमागमी में तुमसे पूछ नहीं पाया कि उन विद्रोहियों के साथ क्या कर रही थी तुम, लेकिन आज समझ में आ रहा है तुम अपनी माँ के लिए जस्टिस लेने गई थी। लेकिन क्या फायदा हुआ? तुम भी अच्छी तरह से जानती हो क्या हुआ। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये बताओ सलीम की मौत कैसे है और परवेज के साथ तुमने ऐसा क्यों किया? सर माँ का बलात्कार करने वाला चाहे कांस्टेबल हो, विरोधी या फिर ट्रक ड्राइवर, सबके लिए औरत एक भोगने की चीज है। हर कोई उसे पाना चाहता है और अगर नहीं मिलती तो फिर जबरदस्ती करता है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन तुमने भेस क्यों बदला, आइडेंटिटी क्यों बदली
और तो और छोटू को किडनैप किया, परवेज पे गोली चलाई। तुम्हारी हिस्ट्री में मानता हूँ, लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? सर, मेरे बाबा उस ढाबे के आसपास से गायब हुए थे। वो अक्सर वहाँ खाना खाने जाते थे। वहाँ काम करने वाले छोटू की भी बहुत तारीफ करते थे वो। जिस दिन वो गायब हुए थे उन्होंने हमें फ़ोन भी किया था, लेकिन उसके बाद ना फिर हमारे बाबा मिले और ना ही उनका फ़ोन ट्रैक हो पाया। सर, बाबा के गायब होने के तार उस ढाबे से जुड़े हुए थे, इसलिए मैं भेस बदल के वहाँ काम करने गई थी। छोटू को क्यों किडनैप किया? छोटू ही मेरे लिए लास्ट प्रूफ था। छोटू से क्या जानकारी मिली तुम्हें? उसने बेहोश होने से पहले डॉक्टर प्रसाद का नाम लिया था। पता नहीं सर, वो 10 साल पहले हुए किसी हादसे के बारे में पूछताछ कर रही थी। और सर, ढाबे पे रोजाना इतने लोग आते हैं, सबका नाम थोड़ी ना याद रखेंगे सर। तो तूने डॉक्टर प्रसाद का नाम क्यों लिया था? सर, मैं जानता था वहाँ परवेज को भर्ती किया गया है और जरूर वहाँ पे पहरा होगा। इस वजह से सर, अपने आप को बचाने के लिए और उस बला को फंसाने के लिए सर, मैंने डॉक्टर प्रसाद का नाम लिया था। एक के बाद एक राज खुल रहे थे, लोगों के चेहरों से नकाब हट रहे थे, लोगों की पहचानें सामने आ रही थी। एक अपहरण से शुरू हुआ अपराधों का ये सिलसिला लेकिन अभी भी जारी था। पुलिस सारी कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो अपराध रुक रहे थे और ना ही असली मुजरिम सामने आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस डेड एंड पे आ गई है। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसने तहकीकात को एक नया मोड़ दे दिया। जैन सर। जैन, बोलो। सर, एक्चुअली केस के सिलसिले में आपसे जरूरी बात करना है। सर, पिछले कुछ महीनों से हमारे एरिया से गुजरने वाले हाईवे से लोग बड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। और सर, सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि उनकी गाड़ियाँ, उनके सामान और बच्चे तक, सब कुछ वैनिश हो रहा है सर। और सर, हमें समझ तक नहीं आ रहा है आखिर माजरा क्या है। वो हाईवे हमारी ज्यूरिडिक्शन से भी गुजरता है ना? हाँ सर, इसलिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। महेंद्र, एक काम करो, हाईवे के एंट्री पॉइंट पे ना नाकाबंदी करवा दो और तुम अपने एग्जिट पॉइंट पे, और आने जाने वाले जितने भी लोग हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन करो और आपस में मैच करो। उस पूरे एरिया में पेट्रोलिंग बढ़ा दो, जितनी भी दुकानें हैं, ढाबे हैं, सबको चेक करो। ये कोई बर्मुडा ट्रायंगल तो है नहीं कि गाड़ी समेत इंसान गायब हो जाए। एक मिनट। हाँ बोलो। जैन जी, पटना से एक क्रिमिनल जो है हमारे एरिया में पैरोल जम्प करके आया है, उसे पकड़ना है। सीआईडी की इंफॉर्मेशन। सर। ओ नरेंद्र ओझा, पकड़ो सर। काम भागेगा। पटना से यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ है। चल लेके चलो। चल सर, नरेंद्र ओझा को बिहार पुलिस को हैंडओवर करने से पहले उसके कॉल रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, ये सब कुछ हमने बहुत अच्छे से चेक कर लिए हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सामने आई है। ये नरेंद्र ओझा कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में है जिन्हें अगर हम रंगे हाथों पकड़ लें तो बहुत बड़े रहस्य का पर्दाफाश हो सकता है। गुड जॉब राजदीप। थैंक यू सर। आर यू रेडी? सर। सॉरी सर, वो वेटर आज हॉस्पिटल में, मैं ही ऑर्डर लूंगा। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? एक चिकन डबल और 2 बियर चिल्ड वाली। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। आज कितनी सवारी? अब 12 सत तक जाना है। इतनी रात गए, अकेले निकलेंगे? वो क्या है ना, साहब को शादी में छोड़ने गया था। अच्छा, वापस जा ही रहा हूँ तो इक्का दुक्का सवारी बिठा लेंगे, कुछ कमाई हो जाएगी। बढ़िया जी, बढ़िया। चलो जी, मैं लेके आना जी। लो पाजी चिल्ड बियर। लाओ जी लाओ। वो कितने गए पाजी? आया जी, आया। दसो जी, कितने पे? 900 रुपये हो जी। लो जी। हेलो जी, सत श्री अकाल जी। हेलो। हाँ हाँ, ग्राहक निकल गया, ध्यान रखना। ओके बाय। पाजी, वो 12 सत तक जाना है, छोड़ देंगे? अरे बिल्कुल छोड़ देंगे, बैठो जी। पाजी एक कॉल कर दूं? कर लो कर लो। हेलो। हाँ, हमें गाड़ी मिल गई है, ठीक है, हम सीधे घर में आके खाना खाएंगे।
बैठ जाओ। बारह साथ जाने का। अजी बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। ठीक है ठीक है। पापा जी थोड़ा साइड कर दीजिए, बहुत जोर की पिसाब लगी है। अरे कोई गल नहीं जी, हम भी हल्का हो लेते हैं। हाँ जी जी। किसके लिए काम करता है? बोल वरना गोली चला दूंगा। बोल। डॉक्टर नरेंद्र हो जा। चल। डॉक्टर नरेंद्र हो जा, पवन मदन और प्रकाश इन तीनों को रंगे हाथों पकड़ा है हम लोगों ने और तीनों ने कबूल किया है। वो तीनों तुम्हारे लिए काम करते थे, अब सीधे सीधे बोलेगा या मार खा के बोलेगा? साहब 10 साल पहले मेरा एक अस्पताल था, छोटा सा, पैसा थोड़ा बहुत कमा लेता था, पर मेरे हिसाब से जितनी मेरी उम्मीद थी बहुत कम। तो मैंने एक गैंग बनाई, ढाबे वाला शोमैन और वो छोटू, उनके पास रात में जो लोग खाना खाने आते थे उनसे बातों बातों में सारी जानकारी निकाल लेते थे वो लोग। और जैसे ही वो लोग ढाबे से निकलते थे उसके बाद हम उन्हें किडनैप करते थे। फिर डॉक्टर प्रसाद की मदद से मैं उनकी आँखें, किडनी और बाकी सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं जो काम के हैं जिनसे हम पैसा बना सकते हैं निकाल लेते थे। और हाँ, वो गाड़ियाँ उनको हम डिसमेंटल करके स्पेयर पार्ट्स यूपी बिहार में भेज देते थे। और कितने लोगों का शिकार बनाया तुमने? ठीक से याद नहीं है पर कुछ 100-125 लोगों की शिकार की होगी। इसे जानते हो? हाँ साहब, इसे कैसे भूल सकता हूँ, इसका पति तो पहला शिकार था। साहब किडनी का बहुत पैसा मेरा था इसके। और फिर पता चला कि रोज पुलिस स्टेशन जाती है तो मैं चेक करने गया। साहब उसको देखा तो मेरा दिल आ गया था उस पर। फिर मैंने पुलिस कांस्टेबल होने का नाटक किया और उसे वादा किया कि उसके पति को ढूंढ निकालेंगे। इसी बहाने उसको घर ले गया, मैंने मजे लिए और भगा दिया उसको। साहब ये है वो जिसने तुम्हारे बाबा को मारा है और तुम्हारी माँ के साथ अत्याचार किया। ये मन तो कर रहा है इसे मैं तुम्हारे हवाले कर दूं, लेकिन लोगों का कानून पे से विश्वास ना उठ जाए इसलिए ये साला जो है ना सीधा यहां से जेल जाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट इसे कम फांसी की सजा दिलवाए। चल चल। निशा के आंसू रुके या नहीं पता नहीं। डॉक्टर ओझा का रैकेट पुलिस ने नेस्त नाबूद कर दिया। यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार जनों को किसी भी अपराध का शिकार होने से बचाएं। लेकिन अगर दुर्भाग्यवश कोई अपराध हो जाए तो पुलिस का सहारा लेना, न्याय का सहारा लेना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि कानून खुद के हाथों में लेने से आपकी अपनी जिंदगी तो बर्बाद होती है, साथ ही आपके अपने भी बदले की आग में झुलसते हैं। एक अपराधी के लिए उसका विक्टिम सिर्फ उसके लिए एक शिकार होता है, लेकिन ये शिकार किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी का पति, किसी के परिवार का हिस्सा होता है। पीड़ा उस शिकार से ज्यादा उसके परिवार को होती है। इसी सीख के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी अपराध की नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत परिवार अब हर औरत का भार। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.